ये जनाब इसके अंदर सुराख कर दिए हैं गोश्त में, परासेंगे कि ये गर्दन का गोश्त है। साथ मैंने थोड़ी सी इसकी जो फैट है ना ये भी साथ रखी है, इसको मैं पहले गर्म करूँगा। और उस पर ये मैंने पसंदा मसाला, नमक और साथ ये चावल का तेल ये मैंने लगाया है इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कुछ घंटे में रख दूँगा और फिर इनको फ्राई पैन में बनाएंगे। तो आप ये देखें आपके सामने क्वालिटी इसकी, क्योंकि कोरोना से पहले का मारा हुआ है इसलिए अपना शिकार किया हुआ है, इसलिए इसका मैं टेस्ट भी चेक कर सकता हूँ। आम तौरों पे जो बाहर का गोश्त आता है आजकल उसको हम बगैर टेस्ट किए पकाते हैं, जब पक जाए फिर चेक करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जनाब बारह सिंगे के स्टेक्स जो हैं आज बनना शुरू हो गए हैं, साथ साथ इसकी चर्बी भी पिघला रहा हूँ मैं और इसके अपने फैट में बना रहा हूँ उसको आज आपके सामने।